हेलो क्लास टू बच्चों, अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगी पाठ 10। इस पाठ का नाम है मीठी सारंगी। तो चले शुरू करें। आज मैं इसका अध्ययन करवाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जब स्वयं पढ़ेंगे तो जो कठिन शब्द होंगे उनको आप रेखांकित करेंगे। अब हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए मतलब जमा हो गए, एक जगह आ गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग रह गए यानी आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी उन लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया और 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया, झुंझलाया यानी गुस्सा करने लगा और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उस अपने सिरहाने रखकर सो गया। और भोला को चैन कहाँ था, वह बहुत व्याकुल था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे वह चुपके से उठकर उस सारंगी को उसने उठा लिया और ऊपर का खोल उतारकर उसको जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। सर भोला ने जब यह सुन लिया था कि सारंगी बहुत मीठी थी तो उसने हर तरह से प्रयास किया, चाटकर उसको उड़ेल कर देखा कि कैसे ये मीठी नहीं लग रही है, मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है, लोग बार बार कह रहे सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गए। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और उसने गुस्से से कहा, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो बच्चों, सारंगी तो लकड़ी की बनी होती है, क्या लकड़ी का कोई स्वाद होता है, नहीं। लेकिन भोला के मन में ये बात बैठ गई कि सारंगी मीठी है, वह बार बार लोगों से यह सुनता था कि सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है, उसके मन में ये बात धर कर गई कि सारंगी मीठी है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या लकड़ी के समान मीठी हो सकती है। उसने भरसक प्रयास किया, सारंगी को चाट कर देखा, हर तरह से प्रयत्न किया कि सारंगी उससे मीठी लगे, लेकिन जब नहीं लगी तो उसे गुस्सा आया, उसने सारंगी को उठाकर फेंक दिया। तो बच्चों,
इस कहानी को आप भी खूब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे उसको आप रेखांकित करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़कर समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।